एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज के इस वीडियो में हम आलू गोभी की बहुत ही आसान और मोस्ट कॉमन सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। आमतौर पर हम सभी अपने घर में आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं, तो आज मैं आपसे अपना तरीका शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप इस तरह से जरूर बनाकर देखें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इस स्वादिष्ट और आसान सी आलू गोभी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोभी को हम उबाल कर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक गोभी को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे उबलते हुए पानी में डालकर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। एक तो इससे गोभी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरी अगर इसमें कोई कीड़ा हुआ तो वो भी इससे अलग हो जाएगा। तो गोभी को उबाल कर ही यूज करें। 5 मिनट बाद गोभी हमारी अच्छे से उबल चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन गर्म होने रखा है और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल के अच्छी तरह से गर्म होने पर इसमें हमने जो गोभी उबाल कर तैयार की थी उसे डालकर और उसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आमतौर पर ढाबा या रेस्टोरेंट में जो आलू गोभी की सब्जी बनाई जाती है उसमें आलू और गोभी दोनों को ही डीप फ्राई किया जाता है, पर मैं इसे इसी तरह से बनाना प्रेफर करती हूँ। तो लगभग 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं गोभी पे बहुत अच्छा ब्राउन स्पॉट आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और फिर से सेम पैन में 1 चम्मच तेल हम और ऐड करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो अब इस आलू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आलू और गोभी दोनों को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद आलू पर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रस्ट आ गया है, तब हम इसे निकाल लेंगे। आलू गोभी दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब फिर से उसी कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल और ऐड करेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 चक्री फूल लिया है। तो खड़े मसालों को हम तेल में डाल देंगे। इसी समय इसमें 1/4 चम्मच हम हींग भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से स्प्लेटर होने देंगे। अब यहाँ मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक काट के लिया है, तो अब ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप छोटे या मीडियम साइज का प्याज यूज करते हैं तो फिर आप 2 प्याज लें और प्याज को अच्छी तरह से सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, तो इस समय इसमें हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो अदरक लहसुन भी भून गया है, तो अब टाइम है इसमें सूखे मसाले ऐड करने का। तो सूखे मसालों में मैं यहाँ इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच ही भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। और अब इन सूखे मसालों को हम अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इस समय अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल दें, पर मेरे लिए ये बिल्कुल सही है।
तो हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटर को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो अब हम ये चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसे मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि इनसे तेल अलग ना होने लगे या फिर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 7 से 8 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसालों ने बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इस समय इसमें हमने जो आलू और गोभी फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और एक बार इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 2 से 2.5 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो इस तरह से आलू गोभी को मसाले के साथ भूनने से आलू गोभी में मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही रखा है। तो आलू गोभी को भुनने के बाद अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का। तो अभी मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी हो उस तरह से डालें। तो मैं इस सब्जी में हल्की सी ग्रेवी रख रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 1 बड़ा ग्लास पानी का डाला है और इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर एक बार इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सही लग रही है और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी से गाढ़ी हो गई है। एक आलू लेकर इसे हम चेक कर लेंगे। आलू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। इससे सब्जी का लुक और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और इसी समय इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे जिससे कि सब्जी हमारी थोड़ी और भी फ्लेवरफुल हो जाएगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे ढककर हम बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। तो लगभग 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनकर रेडी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेम्पटिंग लग रही है। तो लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। तो चलिए अब गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म इस आलू गोभी की मसालेदार सब्जी को आप रोटी पूरी पराठा नान या फिर चावल दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आज की ये आसान और स्वादिष्ट सी आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपसे इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।